तो फिर आज हम इलेक्ट्रिक केटल की मदद से कॉफी बनाने जा रहे हैं। देखते हैं कि कितनी आसानी से कॉफी बन जाती है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक केटल का 360 डिग्री स्विवल बेस है, हम इसमें इसके पोर्ट को रख देंगे और उसके बाद हम इसका लिड को खोलेंगे, इसका कवर खोल के ऊपर से, और इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे। अब मेरे को जैसे कि 2 लोगों के लिए कॉफ़ी बनानी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 ही गिलास डालूँ। अभी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, तो ये डाल दिया मैंने 1 गिलास पानी, और ये लिया मैंने 1 और गिलास पानी का, और इसको भी मैंने डाल दिया। अब हम इसके ढक्कन को बंद कर देंगे और इसके स्विच को ऑन कर देंगे। यहाँ से भी इसको ऑन करने के बाद अब हम थोड़ा से बॉईल होने का इंतज़ार करेंगे। जब ये बॉईल होता हो जाता है, तब ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है, अगर इसका हमने ढक्कन ऊपर से ठीक से बंद किया हो। अगर हम इसको खुला रखेंगे तो ऑटोमेटिक कट ऑफ नहीं होगा। तो अब ये बॉईल होने की आवाज़ आ रही है इससे, और इसमें से सही है, बॉईल हो रहा है अभी ये। जब तक ये बॉईल होता है, तब तक हम कॉफ़ी पाउडर का पेस्ट बना लेते हैं, हल्का सा लिक्विड टाइप मिक्सचर। तो हमने ये नेस्कैफे का कंटेनर लिया हुआ है, अब इसमें हम इसके कवर को सील ऊपर से इसको हटाएंगे जो इसमें कवर लगा हुआ है, और इसमें से हम कॉफ़ी जितनी भी चाहिए होगी उस हिसाब से, 1 चम्मच मेरे हिसाब से ठीक रहेगा लेने को। ये नेस्कैफे का जब मैंने लिया था, करीब मेरे को 70 रुपये का पड़ा था, और ये मेरे को टेस्टी भी लगता है वैसे। और अब हमने ये लिया एक स्पून, और इसमें डाला थोड़ा, 1 चम्मच काफ़ी रहेगा कॉफ़ी का, थोड़ा सा 1 चम्मच से ज़्यादा ही डालने का सोच रहा हूँ मैं। ये 1 चम्मच और थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा। ओके, तो अब हम इसमें इस केटल को, पहले एक बात ध्यान रखनी है, इस केटल को जब भी इसके बेस से अलग करें, ये स्विच्ड ऑफ हो। हमने इसको स्विच ऑफ कर लिया है, और अब हम इसको इसमें से थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी काफ़ी गर्म हो चुका है, आवाज़ बहुत आ रही थी और बाहर भी हीट है इसमें। हमने थोड़ा सा पानी डाला है इसका, अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे, थोड़ा सा और डाल लेते हैं। और अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा शुगर भी डालना ज़रूरी होता है पहले, ठीक रहता है अगर पहले डाल दो तो अच्छे से मिक्स हो जाती है। बाद में डालने पे आपको मिक्स करने में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर पहले डाल के मेरे को ऐसा लगता है कि टेस्ट ज़्यादा आता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। जितनी देर तक अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, उतना अच्छा टेस्ट आएगा कॉफ़ी में से। अभी तो थोड़ी थोड़ी मिक्स होने लगी है, और अभी ही इसमें से काफ़ी अच्छी कॉफ़ी की स्मेल आने लग पड़ी है। और अब हम इसको मिक्स कर लिया, जब हमने इसको ठीक ढंग से, अब हम इसको साइड रखेंगे और इस 1 ग्लास में मिल्क प्रिपेयर करेंगे। आप दूसरा लिक्विड मिल्क भी ले सकते हैं, हमारे को यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ से पाउडर्ड मिल्क पतंजलि का लिया हुआ है। और अब हम इसमें 2 स्पून, 2.5 स्पून कर मिल्क पाउडर डाल देंगे, ये थोड़ा सा और। बस ये हमने अप्रॉक्सीमेटली 3 स्पून मिल्क पाउडर के डाल दिए हैं, और अब हम इसमें वाटर डालेंगे। पहले थोड़ा सा वाटर डालेंगे ताकि मिल्क पाउडर मिक्स हो जाए, और उसके बाद जब ये पेस्ट बन जाएगा फिर इसको हम लाइट कर देंगे बाद में। तो अब हमने यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अभी ये थोड़ा सा ढंग से मिक्स नहीं होता, अगर इसमें ज़्यादा पानी एकदम डाल दिया जाए, इसको अच्छे से मिक्स करें, नहीं तो ये बाद में थोड़ा अजीब सा लगता है। और पेस्ट बन गया है, अब हम इसमें और पानी डाल देंगे, और इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्लास के जितना भर देंगे। हमने थोड़ा सा होल्ड है, ठीक है इतना भी। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे,
अब ये लगभग मिक्स हो ही चुका है और ये गाढ़ा भी बन चुका है दूध। और अब हम कॉफ़ी पाउडर का जो पेस्ट था उसमें इस दूध को मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा रहे। इसमें देख बहुत अच्छी स्मेल आने लग पड़ी है, इसमें झाग भी काफ़ी अच्छा बन चुका है और ये काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है इस कॉफ़ी में से, बहुत टेस्टी लग रही है। और ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें ये बस लगभग पीने के लिए रेडी है। और ये हमारी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है।